गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर सभी का स्वागत है। आपने स्वयं ने सब्सक्राइब कर लिया होगा मेरा चैनल, अपने दोस्तों को भी सजेस्ट किया होगा सब्सक्राइब करने के लिए। जिन्होंने अपने दोस्तों से कहा है उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स मेरी तरफ से, और जिन्होंने नहीं कहा है, कहने वाले हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, उनको भी बहुत थैंक्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको, वो तो धन्यवाद के पात्र हैं ही। आज मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर हम स्टडी करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर भविष्य, जो भविष्य के बारे में बताएगा, तो फ्यूचर के लिए क्या कहा जाता है, इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स द टाइम और एक्शन विच हैपन्स इन फ्यूचर, जो भविष्य में घटित होते हैं, जो भविष्य में घटित होते हैं उस टाइम और उस एक्शन के बारे में फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस बताता है। हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा, गा गे गी, हेल्पिंग वर्ब इसकी देखिए शैल और विल है। शैल का प्रयोग किसके साथ करेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई और वी। याद रखिए शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई और वी के साथ, विल का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन होता है यू, ये अकेला सेकंड पर्सन है, और बाकी के बचे हुए कैसे हैं, थर्ड पर्सन, ये सभी थर्ड पर्सन हैं और यू अकेला सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट से संबंधित हमारी सामान्य सी जानकारी हो गई कि भविष्य, जैसे मैं अलबर जाऊंगा, वह खाना खाएगा, वह कपड़े धोएगी, मेरी माँ खाना बनाएगी, तो ये सभी सेंटेंसेस किस में जा रहे हैं, फ्यूचर टेंस में जा रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर सिंपल। इसके सेंटेंस किस तरह से बनते हैं, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सेंटेंस अंग्रेजी में बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और यदि हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे पास दो ऐसे टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट, जिनके सकारात्मक वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, उनके लिए ये फॉर्मूला एकदम सही बैठता है और सभी सेंटेंसेस को इसी तरीके से बनाया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के सकारात्मक वाक्य, अन्य सभी में हेल्पिंग वर्ब लगाकर इस तरह से वाक्य बनते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस अंग्रेजी का मैं यहां पे लिख देता हूं, आई शैल डू इट अगेन, मैं फिर से ये करूंगा, सकारात्मक हो गया, आई के साथ शैल लगा दिया, इसी का नेगेटिव हम बनाएं, आई शैल नॉट डू इट अगेन, मैं ये फिर से नहीं करूंगा, इसका इंटरोगेटिव। दूसरा वाक्य ले लेते हैं, विल शी हेल्प मी, क्या वह मेरी सहायता करेगी। मैंने आपको बताया कि प्रश्नवाचक हेल्पिंग वर्ब से भी बनता है और डब्ल्यू एच वर्ड से भी बनता है, ये हेल्पिंग वर्ब से है। हेल्पिंग वर्ब से जो प्रश्नवाचक बनेगा उसका आंसर यस और नो में मिलता है, विल शी हेल्प मी, क्या वह मेरी सहायता करेगी, हाँ कि ना। अभी डब्ल्यू एच वर्ड का अगर हम बनाए, वाई विल शी हेल्प मी, वह मेरी सहायता क्यों करेगी, अब इसका यस और नो में जवाब नहीं दे सकते, इसका तो है वाई विल सी हेल्प मी, वह मेरी सहायता क्यों करेगी, क्योंकि मैंने उसकी सहायता की है, मैं उसका रिलेटिव हूं, मैं उसका दोस्त हूं, कुछ भी जवाब हो सकता है, तो ये इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें हम, जैसे विल
ही नॉट कॉल मी, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। इनका स्ट्रक्चर आपको समझना जरूरी है क्योंकि ये एक्टिव पैसिव में काम करने वाले हैं, ये स्ट्रक्चर आप समझ जाएंगे। तो यहां पे देखिए नेगेटिव में तो क्या नॉट आ गया, इंटरोगेटिव में क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब बाहर चली गई, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब बाहर आई और नॉट कहां आया सब्जेक्ट के बाद। ये सारी चीजें आपको एक्टिव पैसिव के टाइम पे बहुत मदद करने वाली हैं। अच्छा, इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हम रूल लिखते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करेंगे इसकी। आसान सी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है इसमें, कोई बहुत टफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती। एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या क्या होते हैं इसमें, यहां पे हम लिखें एडवर्ब्स ऑफ टाइम। इसके एडवर्ब्स ऑफ टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है, सामान्य सा ये आता है आपके सामने टुमारो, टुमारो आएगा, नहीं तो नेक्स्ट प्लस टाइम, नेक्स्ट के साथ समय जुड़ा हुआ होगा, जैसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कुछ भी, नेक्स्ट वीक, कुछ भी आए, नेक्स्ट नाइट, तो नेक्स्ट प्लस टाइम होगा और द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग प्लस टाइम, फॉलोइंग के साथ भी समय आएगा, जैसे द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग ईयर लिख देता हूं। तो इस तरह से आपको इन चीजों को देखना है, टुमारो आएगा, नेक्स्ट प्लस टाइम आएगा, द फॉलोइंग प्लस टाइम आएगा, तो आपको क्या करना है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस का यूज करना है। जैसे यहां पे एक सेंटेंस में लिख देता हूं, आई डू इट टुमारो, और यहां पे ब्रैकेट ये आ गया खुद ही, आई डू इट टुमारो। अब क्या करना है हमको, पहले तो इसको टेंस पहचानिए कौन से टेंस में है। मैंने आपको बता रखा है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जब भी आप करते हैं तो अपने आप से प्रश्न कीजिए, टेंस पहचानिए, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है टेंस की इसकी, और वर्ब में क्या करते हैं, और सब्जेक्ट देखिए। ये चार प्रश्न आप अपने आप से करेंगे ना तो है आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सही भरी जाएगी। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के फोर स्टेप्स, अब फोर स्टेप्स इस पे लागू करते हैं। देखिए टेंस पहचानते हैं, टुमारो बता रहा है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है शैल और विल है, वर्ब क्या करती है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ विल और शैल में से क्या आएगा शैल, आई शैल और डू। तो इन चारों स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं तो प्रत्येक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को आप सही भर पाएंगे। दूसरा मैं यहां पे सेंटेंस लिखता हूं, माय फादर ऑन द नेक्स्ट, ऑन नेक्स्ट मंडे, और यहां ब्रैकेट में आया जैसे कम, तो नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट के साथ टाइम दिया हुआ है, नेक्स्ट प्लस टाइम, तो क्या आएगा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस पहचान लिया, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, वर्ब क्या करती है इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखिए माय फादर थर्ड पर्सन है तो क्या आ जाएगा यहां पर विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, My father will come on next Monday. अगला सेंटेंस देखें, She, me, the following month. और यहां पे report. तो following month आ गया, आने वाला महीना,
फॉलोइंग मंथ, फ्यूचर इंडेफिनेट को बता रहा है, टेंस पूछ लिया, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडेफिनेट की क्या है, सेल और विल है, शी के साथ क्या आ जाएगा, विल, और रिपोर्ट का रिपोर्ट रहेगा क्योंकि ब्रैकेट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, शी विल रिपोर्ट मी द फॉलोइंग मंथ। अगला हम लिखते हैं, सिर्फ यही है इसके करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए एडवर्ब्स ऑफ टाइम यही है। हाँ, मैं आपको याद दिला दूंगा, एक हमने कंडीशनल सेंटेंस और लिखा था इसके लिए, उसको मैं रिवाइज करा देता हूं। मैं उसमें हमने लिखा था इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो दूसरे वाक्य में विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिख लिया था। देखिए कैसे आएगा, इफ शी आस्क्स मी रिस्पॉन्ड टू हर। अब यहां पे देखें क्या स्थिति है, इफ के साथ एक तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इफ के साथ फर्स्ट फॉर्म, एस क्यों लगाया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म जब भी आएगी तो एक वचन कर्ता देखना पड़ेगा हमें, एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस ही लगता है। तो इफ सी आस्क्स मी आई, अब क्या करना होगा, आई के साथ विल और शैल में से क्या लगेगा, शैल, आई शैल रिस्पॉन्ड। ये रूल मैं क्लियर कर चुका हूं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में, ऐसे भी आ सकता है ये, आई इनवाइट हिम एज सून एज ही एक्सेप्ट्स माय प्रपोजल। तो यहां पे ये क्या स्थिति बनी हुई है, देखिए एज सून एज भी कंडीशनल है, कंडीशन लगी हुई है, शर्त, जहां शर्त लगी हुई हो ना वो कंडीशनल होते हैं, एज सून एज भी कंडीशन को बता रहा है, जैसे ही वो मेरा प्रस्ताव स्वीकार करेगा, लग गई ना शर्त, जैसे ही मेरा प्रस्ताव स्वीकार करता है, एक्सेप्ट आ गया, एज सून एज ही एक्सेप्ट माय प्रपोजल आई शैल इनवाइट हिम, मैं उसको आमंत्रित करूंगा, जैसे ही वो मेरा प्रस्ताव स्वीकार करता है मैं उसको आमंत्रित करूंगा। तो ये मैं आपको पहले ही प्रेजेंट इंडेफिनेट में बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने क्लियर कर दिया है। एक उदाहरण और लिख देता हूं इसका मैं, ही फॉलो यू इफ यू गिव हर गुड एडवाइस। ही फॉलो यू, ही है तो हिम आएगा यहां पे, ही फॉलो यू इफ यू गिव हिम गुड एडवाइस। तो यहां पे क्या स्थिति बन रही है, देखिए इफ आया हुआ है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस बार एस या यस नहीं लग रहा, यहां पे लग रहा था, क्यों, क्योंकि कर्ता एक वचन था, यहां कर्ता बहुवचन है इसलिए एस या यस नहीं लग रहा है। तो यहां पे देखिए क्या स्थिति बन रही है, उधर इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो यहां बिल और शैल आएगा, ही के साथ क्या लगता है, बिल, ही विल फॉलो। तो इस तरह से आप फ्यूचर इंडेफिनेट के कंडीशनल सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ और वाक्य हैं जो फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, हिंदी सेंटेंसेस की मैं बात कर रहा हूं, वो भी फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करते हैं, जैसे कि गोइंग टू, गोइंग टू ये फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है। कैसे, यहां पे सेंटेंस लिखते हैं, ही इज गोइंग टू ओपन अ शॉप, वह एक दुकान खोलने जा रहा है, या मीन्स वह एक दुकान खोल रहा है, भविष्य की बात हो गई, गोइंग टू, तो गोइंग टू
भविष्य की बात करता है, फ्यूचर, फ्यूचर टाइम। जैसे आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड टुमोरो, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं कल। तो गोइंग टू जो है भविष्य की बात करता है, गोइंग टू। जैसे सी इज गोइंग टू प्रिपेयर टी इन इवनिंग, इन द इवनिंग, शाम को वह चाय बनाने जा रही है। तो ये गोइंग टू किसको इंडिकेट कर रहे हैं? फ्यूचर टाइम को। इसी तरह से अबाउट टू है, अबाउट टू को देखिए, अबाउट टू भी फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है। अबाउट टू, अबाउट टू के हिंदी वाक्य क्या मिलेंगे? वाली है के सेंस में मिलेंगे, वाली है, वाला है। और इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है? इज, एम, आर प्लस अबाउट टू। तो कैसे बनता है देखिए, He is about to come, वह आने वाला है, वह आने वाला है। जैसे COVID-19 is about to finish, कोरोना जाने वाला है, खत्म होने वाला है। जैसी वैक्सीन आ जाएगी तो खत्म हो जाएगा कोविड 19। जैसे द ट्रेन, ये सिंपल सा एग्जांपल मिलता है, द ट्रेन इज अबाउट टू कम, ट्रेन आने वाली है। तो आने वाला है, आने वाली है, ये भी किस में चले जाते हैं? फ्यूचर इंडेफिनेट में चले जाते हैं। जैसे इसमें भी इज, एम, आर प्लस टू, ये भी फ्यूचर टाइम को शो करता है, जो कि करना है के सेंस में आता है, करना है, करना है या होना है, करना है या होना है। इज, एम, आर प्लस टू। जैसे ही इज टू eat this food, उसे ये भोजन करना है। तो is और to eat, करना है भविष्य में, उसे ये भोजन करना है। She is to speak me, उसे मुझसे बात करनी है, उसे मुझसे बात करनी है। तो is to, I am to attend This meeting, मुझे ये मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे मीटिंग में उपस्थित होना है। एम टू, तो इज, एम, आर, टू, और टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है हमेशा बच्चों। टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस और उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई है। ज्यादा से ज्यादा आप मेरे साथ जुड़िए, अभी एक्टिव पैसिव स्टार्ट होंगे फ्यूचर टेंस खत्म होते ही। और आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सारे टेंस मिल जाएंगे, वहीं आपको मॉडल्स मिल जाएंगे, वहीं पे आपको सारी कविताएं, आपकी गोल्डन रेज की कविताएं, व्याख्या मिलेंगी वहीं पे, और दो तीन लेसन मैंने पढ़ाए हैं वो सभी मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। प्लेलिस्ट जैसे ही ओपन करेंगे तो कक्षा 10 का फॉर्मेट खोलिए, वहां पे आपको सारी चीज मिलेंगी। ऐसे ही कक्षा 12 प्लेलिस्ट में जाइए, कक्षा 12 का ऑप्शन खोलिए, उस ऑप्शन में पूरी रेनबो बुक मैंने करा दी है, क्वेश्चन आंसर्स करा दिए हैं। अभी लेटर राइटिंग मैं स्टार्ट करने वाला हूं, कक्षा 10 और 12 की लेटर राइटिंग एक साथ चलेगी, इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।